इस वक्त जिस गिद्ध को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह गिद्ध भूख से तड़प रहा है और इसे इंतजार है एक पारसी व्यक्ति के शरीर का जिसे खाकर यह अपना पेट भर सके। और यह है वो लोग जो एक पारसी व्यक्ति के शरीर को इस गिद्ध को खिलाने वाले हैं। हम समझ सकते हैं यह सुनने में काफी डरावना है पर यह सच है। सर रतन टाटा पारसी धर्म से आते थे और पारसी धर्म में एक परंपरा सदियों से चली आ रही है जिसमें यदि कोई पारसी व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो पारसी लोग उसके शरीर को लाकर गिद्धों को खिला देते हैं। यह सुनने में जितना डरावना है इसके पीछे का सच उससे भी ज्यादा डरावना और रहस्यमयी है। इस डॉक्यूमेंट्री में आपको सब जानने को मिलेगा पर उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि सर रतन टाटा एक नेक इंसान थे तो वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट में लिखिए कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए यह है हिंदू धर्म का दाह संस्कार। यहाँ इस्लाम धर्म में शव को दफनाया जा रहा है और अब यह है पारसी धर्म का टावर ऑफ साइलेंस जहां इन गिद्धों ने भीड़ लगा रखी है। कारण कुछ और नहीं बल्कि इन्हें इंतजार है एक पारसी व्यक्ति के शव का ताकि यह उसे खाकर अपना पेट भर सके। सभी धर्मों में अंतिम संस्कार करने के तरीकों में विभिन्नता देखी जाती है। जहां हिंदू धर्म में दाह संस्कार किया जाता है वहीं इस इस्लाम में शव को दफनाने की परंपरा है। इसी तरह पारसी धर्म में भी अंतिम संस्कार का एक अलग तरीका देखने को मिलता है। पारसी धर्म में शव को जलाने या दफनाने के स्थान पर उसे टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर रख दिया जाता है। यह टावर एक गोलाकार इमारत की तरह होता है जिसे दखमा भी कहते हैं। इस दौरान शव को खुले आसमान के नीचे सूरज की धूप में रख दिया जाता है जिसके बाद गिद्ध चील और कौवे आदि उस शव को खा जाते हैं। पारसी अंतिम संस्कार के इस तरीके को दोख विनाशिनी कहा जाता है। पारसी धर्म में दोख विनाशिनी की परंपरा सदियों से चली आ रही है जिसमें व्यक्ति के मरने के बाद उनके शव को प्रकृति की गोद में छोड़ दिया जाता है। इसे लेकर पारसी अनुयायियों का यह मानना है कि शव को जलाने से या फिर दफनाने से प्रकृति गंदी होती है अर्थात प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। वही पारसी धर्म के अनुसार इस प्रकार से अंतिम संस्कार करने से चील और गिद्ध जैसे पक्षियों का पेट भी भरता है और प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता। पारसियों में इस प्रकार की परंपरा 3000 साल पुरानी है। जैसे कि आपने जाना पारसियों के कब्रिस्तान को दखमा या टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। टावर ऑफ साइलेंस गोलाकार खोखली इमारत के रूप में होता है। किसी व्यक्ति की मौत के बाद शव को नहला धुला कर टावर ऑफ साइलेंस में खुले में छोड़ दिया जाता है। पारसियों की अंत्येष्टि की इस प्रक्रिया को दोख विनाशिनी कहा जाता है। इसमें शवों को आका आकाश में दफनाया जाता है यानी शव के निपटारे के लिए उसे टावर ऑफ साइलेंस में खुले में सूरज और मांसाहारी पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है। आमतौर पर तो पारसी समुदाय अंतिम संस्कार के लिए टावर ऑफ साइलेंस में शव को खुले में छोड़ देते हैं और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षी उस शव का मांस खा लेते हैं। लेकिन गिद्धों की आबादी तेजी से घटने से पारसी समुदाय के अंतिम संस्कार यानी दखमा को करना आसान नहीं रह गया। गिद्धों की प्रजातियों की आबादी पिछले कुछ सालों में करीब 999 तक घटी है। गिद्धों की आबादी घटने से मुंबई में रहने वाले कई पारसी अपने प्रियजनों की मौत के बाद उनके शवों के सम्मान पूर्वक निपटारे को लेकर चिंतित थे। नई पीढ़ी के कई पारसी नहीं चाहते कि उनके प्रियजन का शरीर कई दिनों तक खुले में रहे। अंग्रेजों के समय से पारसियों की जन्म मृत्यु और शादी के रिकॉर्ड रखने वाली पसियाना मैगजीन के मुताबिक साल 2018 में कुल 720 पारसियों की मौत हुई थी। इनमें से 647 का अंतिम संस्कार दखमा से हुआ जबकि 73 पारसियों को दफनाया गया था। मुंबई में पारसियों के पास अब अंतिम संस्कार के 3 विकल्प है। पहला पारंपरिक दखमा यानी टावर ऑफ साइलेंस के जरिए अंतिम संस्कार करना, दूसरा शवों को दफनाना, तीसरा शवों का दार संस्कार करना। आपको जानकार हैरानी होगी कि साइरस मिस्त्री के निधन से करीब 2 महीने पहले उनके पिता की मृत्यु हुई थी। उनका अंतिम संस्कार टावर ऑफ साइलेंस में हुआ था जबकि सड़क हादसे में जान गंवाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट साइरस मिस्त्री का पारसी परंपरा के बजाय वली के इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम में अंतिम संस्कार किया गया था। रतन टाटा का अंतिम संस्कार वली स्थित शमशान घर में दार संस्कार के जरिए किया गया पर ऐसा क्यों किया गया इसके पीछे JRD टाटा की एक कहानी है जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। आइए ये जानते हैं उस घटना के बारे में जिसकी वजह से सर रतन टाटा का अंतिम संस्कार पारसी परंपरा यानी दोख मीनार से नहीं किया गया। 1980 के दशक में JRD टाटा ने अपने भाई BRD टाटा के निधन के बाद मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर जमशेद कांगा से पूछा था कि उनके भाई के अंतिम संस्कार के लिए मुंबई में कौन सा शमशान घर बेहतर रहेगा। दरअसल प्रसिद्ध उद्योगपति होने की वजह से उनके अंतिम संस्कार में कई गणमान्य लोग आ वाले थे, इसलिए एक ऐसी
जगह चाहिए थी जहां लोग एकत्रित हो सके, पर उस समय कुछ शमशान घर बंद थे और उन्हें अपग्रेड किया जा रहा था, जबकि बाकी जर्जर हालत में थे। इस स्थिति से निपटने के लिए दादर में एक शमशान घर को साफ कराया गया, लेकिन जब म्यूनिसिपल कमिश्नर जमशेद कांगा जेआरडी टाटा को सांत्वना देने वहां गए तो जेआरडी टाटा ने उनसे कहा कि मुंबई में शमशान घर की सुविधाएं और बेहतर होनी चाहिए। यह बात कमिश्नर को काफी बुरी लगी। उसके बाद मुंबई के कई शमशान घरों में से वली में स्थित शमशान घर में काफी जगह थी और साउथ मुंबई में होने की वजह से पारसियों के लिए सुविधाजनक था। कांगा ने वली में ही एक प्रेयर हॉल बनाने की योजना बनाई, लेकिन इससे पहले की प्रोजेक्ट शुरू हो पाता उनका ट्रांसफर हो गया। जमशेद कांगा ने यह मिशन छोड़ा नहीं और मुंबई में प्रभावशाली पारसियों के साथ मिलकर अंतिम संस्कार के वैकल्पिक तरीके की मांग के साथ मृतकों का सम्मान के साथ निपटा नामक कैंपेन चलाया। तब कांगा ने कहा था, टावर ऑफ साइलेंस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है और हमें विकल्प की जरूरत है। इसके अलावा भी कुछ तरीके होने चाहिए जिससे हम अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई दे सके। एक प्रस्ताव टावर ऑफ साइलेंस के पास ही शमशान घर बनाने का भी रखा गया, लेकिन पारसियों की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बॉम्बे पारसी पंचायत यानी बीपीपी ने इसे स्वीकार नहीं किया और उसके बाद वैकल्पिक अंतिम संस्कार का रास्ता अपनाने वाला लोगों को यानी जिन पारसी लोगों ने अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार टावर ऑफ साइलेंस में न करके दार संस्कार का सहारा लिए, उन्हें पारंपरिक पारसियों का विरोध झेलना पड़ा। दरअसल टावर ऑफ साइलेंस के जरिए शवों के अंतिम संस्कार करने वालों को ही वहां बने प्रेयर हॉल में प्रार्थना की इजाजत दी गई। जिन लोगों ने शवों को कहीं और दफनाया या जलाया था उन्हें टावर ऑफ साइलेंस के प्रेयर हॉल में जाने से रोक दिया गया। कहीं और शवों को दफनाने और जलाने वाले दो पारसी पुजारियों पर भी प्रार्थना हॉल में जाने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद साल 2015 में पारसियों के एक समूह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर मुंबई के वर्ली में पारसियों के लिए एक शमशान घर बनवाया जहां सर रतन टाटा जी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। आपसे एक सवाल है, आपके घर में टाटा के कौन कौन से सामान है और किस भरोसे से आपने उसे खरीदा, कमेंट में जरूर बताइए ताकि टाटा और टा के ग्राहकों का प्यार सब समझ सके। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।